हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज गाइस हम नई वीडियो शूट कर रहे हैं, उसी पार्ट की अलग। जब हमने वो पिछली वीडियो में बता दूं अगर भाइयों को याद नहीं है तो हमने रोल्स रॉयस रेत हमने चुराई थी एरोप्लेन के मतलब हैंगर में से एक दुबई के शेख की। वो माइकल ने हमें ऑर्डर दिया था कि मतलब हमें वो चुरानी है वहाँ से, और फ्रैंकलिन वहाँ गया था भाई, चुरा के भी आया। और फ्रैंकलिन ने पूरी हिम्मत करी थी अपनी बनाने में, मतलब चुरा भी ली थी सक्सेसफुली, और माइकल बहुत खुश हुआ। तो माइकल ने अब मैं वही से वीडियो शुरू कर रहा हूँ, मतलब माइकल ने कहा था कि मेरे घर पे छोड़ के जाना रोल्स रॉयस, हाँ बाकी देख लेना और फटाफट छोड़ दो, मतलब ये कहा था माइकल ने। तो अब हम माइकल के घर फटाफट चलते हैं। और आज यार कहीं मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ नया लिया जाए, इस पर चलता हूँ नया लीज है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई बाइक ले लेते हैं, इंडियन, हाँ भाई इंडियन बाइक ले लेते हैं ना, हायाबुसा सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने साइमन को कहा था कि मेरे को भी कोई बाइक चाहिए, क्योंकि यार कुछ नया नहीं लिया मैंने बड़े दिन से, और भाई कुछ नया ना लो तो आपको पता ही है भाई फ्रैंकलिन की क्या खास होती है। चलो यार छोड़ो, सबसे पहले साइमन के पास ही चलते हैं, नहीं या फिर पहले उसकी जो रोल्स रॉयस था वो डिलीवर कर देते हैं। हेलो, हम रोल्स रॉयस उसको दे ही देते हैं यार, ऐसे मेरा देने का बिल्कुल भी मन नहीं है गाइस, क्योंकि वो गाड़ी देने लायक नहीं है, गाड़ी बहुत बढ़िया है रोल्स रॉयस रेट भी 3-4 करोड़ की आती है, वो इंडियन वैल्यू में बात की जाए वो गाड़ी की तो ऑफर देनी पड़ेगी। माइकल हमें फिर आगे आगे ऐसे मिशन नहीं देगा, और माइकल मुझे ये भी कह रहा था कि मेरे लिए वो काम कर दूँ, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया से गिफ्ट लाऊंगा। देखते हैं माइकल क्या गिफ्ट लाएगा। माइकल को तो स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद है, बाइक्स बहुत पसंद है, तो आज माइकल तभी बाइक्स बाइक ले रहा है, कोई बाइक्स कह रहा हूँ मैं, बाइक देखते हैं माइक फ्रैंकलिन कौन सी बाइक में चलवाएगा। तो लग रहा है हायाबुसा लेगा, और साइमन ने 3-4 चॉइस दी थी बाइक्स की, तो भाई इसमें से ले रहे हैं कौन सी लेनी है, पर देखते हैं। अब फ्रैंकलिन को समझ में आनी चाहिए ना वो बाइक, उसी वक्त ले लेंगे वो बाइक, बाइक्स देखते हैं। बाकी पहले हम रोल्स रॉयस डिलीवर कर देते हैं यार, मैं नहीं चाहता कि बार बार वो मेरे को माइकल फ़ोन करे और कहे कि भाई देखे जाओ देखे जाओ, आज हम उसका काम नहीं करते हैं। और अपना गिफ्ट देखते हैं भाई, अगली वीडियो में पता चलेगा माइकल क्या देने वाला है। पहले उसकी रोल्स रॉयस उठाते हैं। मैंने गाइस एक बात नोट करी है, जब से माइकल ने फॉर्च्यूनर ली है ना, और मुझे ये भी कह रहा था सच माइकल कि अगर तुम्हें मेरी फॉर्च्यूनर का टेस्ट ड्राइव लेनी है, मतलब अगर तुम्हें लेनी है फॉर्च्यूनर तो मेरी फॉर्च्यूनर लेके टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। फॉर्च्यूनर बढ़िया किसी की, देख लो ब्लैक कलर की कितनी बढ़िया लगी है, मेरे को बहुत पसंद आई है यार, बढ़िया लगी है, मेरा तो बहुत मन है फॉर्च्यूनर लेने का बस थोड़ा। तो माइकल आ रहा था, अगर तुम्हें फॉर्च्यूनर लेनी है इस कार को तुम्हें नहीं कर लेता हूँ, ये कार लेके जाने लायक है, अगर तुम्हें लेनी है फॉर्च्यूनर तो तुम मेरी फॉर्च्यूनर की टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, मेरे घर पे ही खड़ी है फॉर्च्यूनर, माइकल ने मुझे ये कहा था फ़ोन पे। अभी भी फ़ोन पे माइकल का फोन नहीं आया था कि यार तुम मेरी रोल्स रॉयस दे दो, मैंने उसको बेच के कुछ करना है। अब ये खड़ी है जैसे रोल्स रॉयस खड़ी हुई है, गोल्ड रोल्स रॉयस। जिसने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो गाइस देख लेना, मैंने वो वीडियो में पूरा मतलब स्टील करी थी। मैंने ये छोड़नी है माइकल के घर पे, माइकल के घर पर यार ये सॉन्ग्स बंद करें यार, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, वीडियो डाउन हो जाएगी हमारी। वो अगर कुछ अच्छा था गिफ्ट दे वे यार, तो कहने को इलेक्ट्रिसिटी का तो मीटर देखो खींचा कितना वहाँ भाई, है ना बढ़िया बात। मैं इसको ज़्यादा यार एक्सटेंड नहीं करना चाहता यार, क्योंकि वैसे माइकल की कार है मेरी कार नहीं है, अगर मैंने इसका एक्सटेंड करके दिया और एक कार मैंने माइकल को तो मेरे को गिफ्ट में टूटा फूटा ही देगा, मुझे बढ़िया चाहिए यार, काश मेरे को स्पोर्ट्स कार दिला दे कोई, यार मुझे बस मैं अपने ला रहा हूँ, क्योंकि फ्रैंकलिन को यार स्पोर्ट्स कार एंड बाइक स्पोर्ट्स बाइक का ही शौक है, और वेपन्स का तो है ही, आप सबको बताइएगा।
अगर गाइस पिछली वीडियो नहीं देखी तो गाइस पिछली वीडियो जरूर देखना यार, आपने उसमें बहुत अच्छा स्कोर दिखाया, लाइक्स भी अच्छे है एंड बहुत अच्छी तरह अप गई है उसमें, मतलब मेरी वीडियो कभी इतनी ज़्यादा एकदम से नहीं आते थे, उस वीडियो को बहुत अच्छी थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सो गाइस हम चलते हैं माइक के पर, बट उसकी जो रॉस प्राइस है वो दे देंगे और हम अपनी नहीं, मतलब यार मैं अपनी क्यों कह रहा हूँ, अपनी नहीं है अनफॉर्चुनेट, पर यार जो माइकल की है तो कुछ उसकी भी होगी यार, एक तरह से माइकल ही और फ्रैंकलिन की भी अलग अलग नहीं है, बेस्ट फ्रेंड्स दोनों। तो यार देखते हैं हम, यहाँ पे कह रहा है वो खड़ी होगी फॉर्चुनर, अरे वो खड़ी हुई फॉर्चुनर, हाँ फॉर्चुनर आ गया उसने लिखा वो, और वो कह रहा था रोल्स रॉयस में तो यहीं छोड़ देना, सीधी लगा देना सीधी ऐसे, मतलब लाइट्स ऑफ कर दे यार, काफी बहुत एक्सपेंसिव कार है, कार बहुत बेहतर है, मतलब देख रहे हो आप कितनी बेहतरीन कार। मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं कोई लग्जरी सेडान लूँ, पर मेरे मन फॉर्चुनर में बार बार डाउट रहेगा इसे, तो कमेंट्स बताओ गाइस फ्रैंकलिन को कौन सी कार लेनी चाहिए यार, इसके डोर जो स्टाइल है ना घूमने का वो बहुत बढ़िया है, पर मेरे ख्याल से भी चली जाएगी गाइस। अब हमें फॉर्चुनर खड़ी है और माइकल कह रहा था इस कार फॉर्चुनर का 4333 नंबर लिया मैंने, मेरा लक्की नंबर है, माइकल कह रहा था और ये वही फॉर्चुनर है वो, और यार माइकल ने कितनी मॉडिफाई करा दी है कार भाई देख रहे हो बहुत ज़्यादा, पर माइकल ने ब्लैक कलर में ली थी जैसे मैंने पहली बड़ी बड़ी वीडियो देखी माइकल की। अरे यार मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है, एलोएज भी उसने चेंज करवा दिए, स्टॉक से सब कुछ उसने चेंज कर दिया, और इसकी बात भी बड़ी अच्छी लगती है, अरे वाह क्या बात है। गाइस आप देख सकते हैं तो कितनी अच्छी कार है, तो गाइस अरे यार बेहतरीन कार है, दिल जीत गया, मैं सोच रहा हूँ ये भी ले लेते हैं, देखी जाएगी माइकल ने कहा था कि थोड़ी सी स्पिन ले ले सकते हो, मतलब ज़्यादा भी नहीं चलानी क्योंकि यार मतलब माइकल की पर्सनल कार है, सो हम ज़्यादा नहीं चला सकते इस बार, तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं राइड, वो भी टेस्ट ड्राइव कि हमने अगर एक कार ली है, अगर एक कार लेनी है तो हम ले सकते हैं, माइकल ने कह दिया था नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा देख के नहीं है क्योंकि न्यू कार है, ज़्यादा दिन भी नहीं गए जैसे देख पा रही थी, कलर बहुत ज़्यादा अलग सही है कुछ ब्लैक ब्लैक माइकल ने यार सारे विंडोज पैक करा रखे हैं एंड 4333 नंबर लिया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हो भाई अंदर से देखते कह रहे हैं माइकल ने जैसे ब्लैक करा दिए कोई दिक्कत नहीं है, फोन नंबर बहुत बढ़िया है माइकल ने, वैसे मैंने जैसे पिछली वीडियो देखी थी 4333 नंबर बहुत बढ़िया है, दोस्त के पास नहीं कोई बैक फायर मार स्पोर्ट्स कार लेकर आया हूँ, स्पोर्ट्स कार का देखते हैं हाईएस्ट कितनी जाएगी, अरे कोई नहीं यार मैं माइकल देख के यार माइकल में हो गया कुछ लेकर देगा, मैंने उसके रोल्स घर पर डिलीवर कर दी है सेफली, देखो स्पोर्ट्स कार दे दे यार माइकल में, आपको देखना जितनी स्पीड में होती है, और अभी तक माइक चार्ज अरे यार बहुत ज़्यादा कार्ड हो गया होगा यार, मुझे ध्यान से चलानी चाहिए क्योंकि अपनी कार नहीं है ये गाइस, माइकल मेरे को एक बात बता रहा था फोन पे कि उसमें मैं स्टॉक टायर जो आते हैं तीन चीज़ करते हैं उसमें अपने मतलब अपने शौक के लिए उसमें 20 के अलावा वो आए हैं उसमें देख लो वगैरह इतने ज़बरदस्त है, इतनी खतरनाक आ रहा है मतलब लॉस एंजेलिस में मैंने एक बार बाहर मिली तो उसमें एक मिली दो तीन बंदों ने ले हुई जैसे मेरी पार्किंग में पेड़ी विराज की अपने एक बड़ी पेड़ ले हुई है ब्लैक माइकल ने कोई भी बताया था उसका प्राइस 2.5 मिलियन $1 मिलियन $80 ऐसा ऐसा है प्राइस $20 कुछ उसकी यार इंश्योरेंस वगैरह अच्छी उच्ची कराते कराते 2 मिलियन की पड़ जाती है, $2 मिलियन $10 की जैसे पड़ जाती है, मॉडिफाइड करानी कराना है तो ऑन रोड नहीं की पड़ती मतलब इंडियन नेट करेंसी में देखो 35 लाख कुछ आस पास
ठीक है मेरे पास पैसा तो है इसलिए, पर मैं आज बाइक छोड़ूंगा यार एक। चलो यार मैं तो पहले ना इस कार को माइकल ड्रॉप कर देता हूँ, तो मेरे को टेस्ट ड्राइव में पास हो गई है यार। मैं सोच रहा हूँ कि लूँ या ना लूँ, यहाँ भी है कुछ माइकल में कुछ तैयार नहीं है। हाँ खींचा मार के देख लेते हैं कितनी जाती है। और यार 150 ऐसे बहुत प्यार से मिलती है, देख रहे हो आप मेरे राइट साइड में स्पीडिंग ड्राइवर देख में कितनी जल्दी जाएगी। 150 तो बहुत आराम से जाती है और अच्छी बात है मुझे तो बहुत पसंद आई। ऑफ रोड भी मतलब अच्छी चलती है, मेरा मन हो रहा है पर माइक से कार फॉलो करके माउंट की यार जो लेके जाऊँ उस कार से, पर माइकल अगर मानेगा नहीं माइकल क्योंकि यार मुश्किल आ रहा है वैसे नहीं देगा मेरे को पर्सनल और एक्सपेंसिव है एक बार अच्छी बात। अरे यार सुनो सुनो सॉरी सर सॉरी सर गलत साइड का गया ना। अरे यार मुझे माइकल एक्स्ट्रा बता दूँ कहाँ पे माइकल है, नहीं यार गलत चल आगे देख। अरे 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 देख लो भाई फॉर्च्यूनर कहाँ कहाँ चले गए, दिस इज द पावर ऑफ योर एसयूवी। यार अलग है ये कार, मतलब मेरे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये कार ऐसी, बट ना मैंने सुना था उससे ज़्यादा ही बढ़िया लगी मुझे कार। और मैं सोच रहा हूँ ये माइकल ने शायद अपना माइकल कह रहा हूँ ले गया रोज रोज माइकल घर दे जाएगी और हमें कार यहीं खड़ी कर देते हैं, कार अपनी यहीं खड़ी कर देते हैं हर जहाँ से उसके लिए। और मेरे को माइकल बता रहा था कि उसमें कुछ साइमन साइमन है डीलर ना पीडीएम मोटर स्पोर्ट का, वहाँ से लिए यार। लुक्स भी देखी जाए तो काफ़ी बढ़िया है कार की, फॉर्चुनर पी वी कुछ ऐसा नाम है आ रहा है यार, काफ़ी अच्छी लुक्स है इसकी। मैं इसकी फ़ोटो भेज देता हूँ याद रखूँगा इस कार की, मतलब ऐसी फोटो कुछ गाइस। तो मैं नंबर तो बहुत बेहतरीन दिया है 4333 मैं फोटो किसी भी देखते हैं। गलती में सेव हो गई अपनी फोटो गाइस, सोशल मीडिया है स्कूल गया यार। गाड़ी बहुत बेहतरीन है यार सही में, मैं कल सच में ले नहीं ले नहीं पाई ब्लैंक नहीं कितनी फोटो लेगा मैं यार यहाँ क्लास में कैसे जाऊँ यहाँ से। मेरे को साइमन के पास जाना है एंड मुझे हायाबुसा लेनी है या फिर कोई और बाइक्स लूँ, मतलब मेरे को वैसे मेरा मन ज़्यादा हायाबुसा पे गया है। सर 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 गाड़ी दे दो मेरे को एक फटाफट देख सर गाड़ी नहीं दे दो मैम। चलो कोई हम अपनी गाड़ी मंगवा लेते हैं। अब मुझे साइमन के पास जाना है एंड देखने हैं कुछ साइमन ने शॉपिंग करी है अपनी तरफ से बाइक्स, बट अगर वो मुझे पसंद आई मैं तभी लूँगा ऐसे नहीं लूँगा गाइस, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं बढ़िया बाइक ही लूँगा। अभी उनका कहाँ पे है प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट इस तरफ है कुछ शायद, बाकी जाके देखते हैं गाइस। अच्छी लगी कि बाइक सुपर बाइक मैं बस बोल रहा हूँ मुझे सुपर बाइक जो वो हर बार की मुझे कोई ऐसी बाइक चाहिए जैसे दो पूरे लॉस एंजेलिस में दो बाइक्स अपना मोटर्स मतलब जो डील करते हैं कुछ ऐसी बाइक्स में एंड कार्स में, एक तो रैपिड मोटर्स है एंड एक है एक मोटर है एक है मीडियम डीलक्स मोटर को, तो मैं अभी चाह ही रहा हूँ आप सबको लेके। तो गाइस चलते हैं फटाफट एंड यार मैं रास्ता नहीं दिखाना चाहता कि आप लोगों को कोई जोर नहीं दिखाऊंगी यार रास्ता दिखा रहा है, सीधा मैं वहीं पहुँचता हूँ एंड आपको वहीं बाइक्स का लाइनअप दिखाता हूँ जो कौन सी बाइक है मैं आपको दिखाता हूँ। एंड वैसे मेरा मन तो है कि सर 100% में ही देख लूँगा बाइक प्राइस भी मिलता हूँ आपको सीधा। चलो गाइस बस पहुंचने वाले हैं गाइस, मैं बस थोड़ा पेट्रोल भरवा रहा था यार कार में ना, फ्यूलिंग करवानी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम फ्यूलिंग नहीं करवाएंगे तो कार हमारी रुक चुकी है एंड रुक चुकी तो फिर
हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाएंगे। सो गाइस बस पहुंच गए हैं, फिर डीलक्स मोटर स्पोर्ट आने वाला है एंड देखते हैं कौन सी बाइक्स का लाइन अप लगवाया है। तीन बाइक्स तो दिख रही हैं मेरे को ना गाइस, हमें पार्किंग में लगानी पड़ेगी एज यूजुअल। एक ये बाइक भी खड़ी हुई है पर मुझे कुछ पसंद नहीं आई, देखते हैं ये कार में बाद में ले जाऊंगा। डोनट पार्क है पर हम यहीं पार्क करेंगे, एक गन ले जाते हैं कुछ पता नहीं टाइम का। सो गाइस फटाफट चलते हैं एंड देखते हैं साइमन ने हमारे लिए कौन सी बाइक्स लाइनअप में लगवाई हैं। एंड ओहो क्या बाइक्स हैं यार, एक तो हैंड हायाबुसा सुजुकी द माइटी हायाबुसा, ये सुपर बाइक्स में आती है, ये सुपर स्पोर्ट्स में आती है कुछ, ये कोई डुकाटी वुकाटी लग रही है, ये डबल टी पी भी कुछ बाइक लग रही है, पर ये भी सुपर बाइक है। पर मुझे गाइस जो पसंद आई है ये, सो गाइस मैं यही फाइनल करूँगा, मुझे काफ़ी पसंद आई है। एंड अगर मेरा मन हुआ गाइस तो मैं यहाँ पे फॉर्चुनर का भी दे दूंगा ऑर्डर कि मेरे लिए इंपोर्ट करवाओ, पर मैं अभी ये हायाबुसा तो लेके जा रहा हूँ। ये कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, बस 15 लाख रुपए की है इंडियन नेट करेंसी के हिसाब से एंड यहाँ के कुछ $500 कुछ ऐसे होंगे, 500 नहीं 1000 कुछ ऐसा, मेरे को इतना हिसाब नहीं है। सो फटाफट मैं साइमन के पास जाता हूँ एंड पेपर वेपर सब कुछ आरसी वर्सी करता हूँ पूरी एंड आपको फिर मिलता हूँ। तो चलो गाइस मैंने अभी अभी साइमन को पेमेंट कर दिया एंड पेपर वर्क सारा डन कर दिया गाइस। सो गाइस हम अपनी बाइक उठाते हैं फटाफट यार एंड लेट्स गो फॉर स्पिन। सो पहले हम लोग एलएस कस्टम्स जाते हैं, थोड़ी अपनी बाइक मॉडिफाई करवाते हैं। सो गाइस थोड़ा यार ऐसा खर्चवाएंगे ही क्योंकि हमने इतनी ज़बरदस्त बाइक जो ले लिया सुपर बाइक एंड थोड़ा यार देखते हैं इसे पिकअप। अरे यार जहर है जहर, हायाबुसा असली हायाबुसा तो ये है गाइस, क्योंकि ये इंडिया से ही होती है यहाँ पे, इंडिया से ही मंगवाई जाती है और मतलब कुछ ज़्यादा पीसेस मंगवा लिए थे साइमन ने इस बार, तो ये स्टॉक में थी वरना स्टॉक आउट ही रहती है क्योंकि अपना लॉस एंजेलिस में भी कई जो हैं मतलब शौकीन बंदे वो इंपोर्ट करवाते हैं हायाबुसा इंडिया से। सो यार ये स्टॉक में थी और हमें मिल गई, मैं सब कलर चेंज करवा दूंगा गाइस एंड टेल टाइडी भी इसकी लगवाऊंगा, मुझे इतना पसंद नहीं है नंबर प्लेट वगैरह एंड स्टॉक एग्जॉस्ट लगे हुए हैं इसमें अभी तक क्योंकि यार नहीं है ना गाइस, तो स्टॉक ही सारा सामान आता है इसमें। What brings you in today? Boys are Hayabusa GSX 1300 motorcycles. Boys almost mein mehenga samaan lag rahi hai pura. Guys hame bumper remove plate holder mein ye chahta tha guys ki aise lage kuch bike hamari alag si. So guys chassis remove speed नहीं 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 स्टॉक चेसिस मेरे को ज़्यादा बढ़िया क्योंकि मुझे सीट चाहिए अपना, इंजन ट्यून हो गया अपना गाइस, एग्जॉस्ट देखते हैं हमें कौन सा पसंद आएगा, ये कुछ ऐसा है ये कुछ ऐसा है, बड़ी दोनों में तो कुछ फ़र्क नहीं है डिज़ाइन में, मतलब कलर का अलग है, मतलब बढ़िया वाला लगाएंगे हम इसमें स्टैंडर्ड। ओके ये लगवा लेते हैं गाइस हम बढ़िया लगेगा एंड सम हेडलाइट्स देखते हैं, जीनॉन लाइट्स ठीक है हम लगवा ली, नहीं 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 जीनॉन चाहिए तो प्लेट नहीं चाहिए हमें, रीस्प्रे मैं करवाऊंगा जरूर कलर देख। ओ यार गाइस कलर देखिए आप कौन से हैं यार, मिक्स कलर है ये 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 ये, मेरे को गाइस ये ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है कलर। तो गाइस हमें फाइनल करते हैं रूफ, रूफ मकान आती है इसमें अच्छा हाँ, रिमूव मिरर मुझे ऐसी अच्छी लगती हैं, स्कर्ट स्कर्ट गोल्ड चेन, अरे वाह यार गोल्ड चेन लगी इसमें, ट्रांसमिशन गाइस हमें रेस ट्रांसमिशन चाहिए, टर्बो यार पर बाइक में टर्बो ऑन नहीं करवाया तो क्या करवाया, व्हील्स व्हील्स भी लग जाते हैं इसमें। चलो गाइस देखते हैं रियर भी देखते हैं पहले, बस ब्लैक लगवा लेते हैं, नाउ दैट्स अ कस्टम जॉब, ट्रैक स्टार लगवाया ना हमने, सेम सेम लगवाएंगे अलग अलग तो अच्छी नहीं है। तो हमने यार आज बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है यार, देखते हैं कैसी लग रही है हमारी 500 बाइक और इसको हम गैराज में पार्क कर देंगे सेफली
या घर पे ही ले चलेंगे कोई ऐसा। अरे यार क्या मस्त लग रही है, अरे यार मस्त लग रही है। हेलमेट वाले फ्रैंकलिन बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा चलाने। अरे भाग रही है गाइस, भाग रही है, देखिए आप। और फायर बैग भी मार रही है, थोड़ी हाइपर ड्राइविंग करते हैं आप। ऐसे मैं सपोर्ट नहीं करता हाइपर ड्राइविंग को असली में इन रियल लाइफ, बट चलता है कभी कभी। अरे यार मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है ये बाइक लेके, अगर मैं दूसरी डुगाटी बुगाटी लेता तो मेरे को इतना नहीं भर सकता। पर गाइस मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि मैं कौन सी नेक्स्ट बाइक लूँ, क्योंकि मेरे को मैं बाइक कलेक्शन करनी है पूरी। गाइस बता जरूर देना यार कमेंट्स में, हमने चलो टेक्स्ट तो कर ही दिया, हमने इसको पूरे नंबर दे दिए अपनी तरफ से। एंड गाइस हम इसको घर लेके चलते हैं यार। अबे कैसे चला रहे तू, गोली बजाऊं क्या तेरे? बड़ी गलत चलाते हैं हम। चलो गाइस हम इसको घर खड़ी करेंगे, हम यही यूज करा करेंगे ज्यादा व्लॉग्स में, आपको यही दिखा करेंगे, मतलब व्लॉग्स कह रहा हूँ गेम प्ले में। सो गाइस मैंने ले तो लिए फाइनल, अब आप गाइस बता दो यार अगली बाइक कौन सी ली, क्योंकि मैं बाइक्स तो बहुत ज्यादा फैन हो गया हूँ बाइक्स का। अरे यार ठोक दी फ्रैंकलिन तूने यार, नहीं बाइक ही ठोक दी। चल कोई नहीं कोई नहीं, नेवर रिग्रेट, हम ठीक करा लेंगे इसको। चल गाइस चलते हैं फटाफट, टर्टल से ठीक हो गई यार। और यार इतनी अच्छी लग रही है ना मेरे मोटर उतार के, मुझे कुछ भरी भरी ज्यादा बाइक अच्छी नहीं लगती, मतलब नेकेड बाइक्स मुझे ज्यादा पसंद है, पर परफॉर्मेंस नहीं आती, एरोडायनेमिक्स भी ज्यादा अच्छे नहीं होते। सो मुझे यार हायाबुसा मतलब ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि हाई स्पीड में भी स्टेबल ज्यादा रहती, अच्छी तरह रहती है। नेकेड बाइक्स इतनी स्टेबल नहीं रहती गाइस। सो मैंने डिसीजन लिया, मेरे पे एक और भी थी बाइक शॉर्ट लिस्ट करी थी पर मुझे वो पसंद नहीं आई, ZX10 और कावासाकी एंड निंजा S2। पर अगर मेरा वैसे निंजा S2 लेने का मन है, कमेंट्स में बताओ गाइस अगर निंजा S2 मैं लूँ तो कैसा रहेगा। ये रही अपनी हेलकेट और एक खच्चड़ बाइक, मैं सोच रहा हूँ सेल कर दूँ, हमारे पे दो दो बाइक्स क्या करेंगे यार, कितनी मस्त लग रही है। अरे है चलो भाई, यहाँ खड़ी करते हैं यार, बहुत बढ़िया है लगी मेरे को बाइक। चलो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर गाइस इस वीडियो को लाइक नहीं करते तो फटाफट गाइस इस वीडियो को लाइक कर लो, शेयर नहीं करो तो शेयर करो, एंड कमेंट जरूर करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी गाइस। एंड अपनी कोई फीडबैक छोड़ना चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो सब्सक्राइब कर लेना यार गाइस, मिलते हैं, एंड बेल आइकन जरूर दबा लेना गाइस, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो ड्रॉप करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। चलो आपको ज़्यादा देखो थोड़ा नज़ारा भी दिखाई देते हैं फ्रैंकलिन के घर से।